Yes, students, let's start our discussion today with genetic disorders. It is very, very, very important topic. Genetic disorders पे आपको board में तो questions मिलेंगे ही. NEET में भी आपको बहुत सारे questions related to genetic disorders मिलेगा ही मिलेगा, एक दो question वहाँ पे. कोई ऐसी possibility नहीं है कि इससे question ना आए. ये ऐसा topic है जिसे आपने prepare कर लिया तो इसके marks पक्के. ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ जाता है कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, किसकी ट्राइजोमी होती है, टर्नर सिंड्रोम में कौन सा कम होता है, यानी जो हम अभी आगे सिंड्रोम्स पढ़ेंगे. तो आपको बहुत ध्यान से ये समझना है, ये आपके मार्क्स इंक्रीज कराता है. टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है तो प्लीज लिसन केयरफुली. देखिए पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है, मैंने कल आपको इसकी डेफिनेशन पूरी समझा दी थी कि हम इसमें फैमिली चार्ट के बारे में पढ़ते हैं. देखिए इस फिगर को आप देखेंगे, सिंबल्स यहाँ पे हमने दिखाए हैं आपको पेडिग्री एनालिसिस के लिए. मेल्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्वायर से, फीमेल्स को सर्कल से, और सेक्स अनस्पेसिफाइड को रोम्बस से, यानी मेल और फीमेल के इंटरमीडिएट. ठीक, अगर इंडिविजुअल्स अफेक्टेड हैं, उन्हें कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है या मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो हम उनको रेड कर देंगे, रेड स्क्वायर, रेड सर्कल, रेड रोम्बस. ठीक, अब जब हम बात करते हैं हस्बैंड वाइफ की तब हम उनको सिंगल लाइन से शो करते हैं, यानी स्क्वायर और सर्कल के बीच में सिंगल लाइन का मतलब है कि ये हस्बैंड वाइफ है. और अगर रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, तो वहां हम डबल लाइन शो कर देते हैं स्क्वायर और सर्कल के बीच में. ठीक है, फिर अब यहाँ दिखाया है हमने कि ऊपर ये दोनों ये पेरेंट्स हो गए और नीचे ये दोनों इनके चिल्ड्रंस हो गए. ठीक है, यानी ये हो गए मेल मदर, सॉरी फादर मदर, और इनकी चाइल्ड हो गई गर्ल और बॉय. अब यहाँ हमने देखा कि पेरेंट्स हेल्दी हैं लेकिन चाइल्ड जो है मेल चाइल्ड यहाँ अफेक्टेड है, डिसीज है. ठीक, रोम्बस के अंदर फाइव लिखा हुआ है, यानी फाइव अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, पांच बच्चे हैं, पांचों ही अनअफेक्टेड हैं, तब हमने रोम्बस के अंदर फाइव लिख दिया. ठीक है, अब सेक्स अनस्पेसिफाइड में हमने फाइव लिखा है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो केवल इतनी है कि पांच बच्चे हैं. ठीक है, और पांचों हेल्दी हैं. ये नहीं पता कि उनमें से तीन लड़के हैं, दो लड़की हैं, चार लड़के हैं, सारे लड़के हैं, ये हमें बॉय या गर्ल का रेशो नहीं पता, तब हम उसको सेक्स अनस्पेसिफाइड में काउंट करेंगे. तो ये पेडिग्री एनालिसिस चार्ट के सिंबल्स थे जिनके बारे में हमने यहाँ देखा. तो अब पहले मैं आपको थ्योरी समझाऊंगी, फिर नीचे ये आपको सारे पेडिग्री चार्ट एक्सप्लेन करेंगे हम. देखिए लेट्स स्टार्ट, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था ऑल्ट्रेशन या चेंज आना जेनेटिक मटेरियल में, उसको म्यूटेशन कहते हैं. ठीक है मैम, एक बार देखिए, तो हम यहाँ देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस से. तो द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड हैज बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग, यानी बहुत लंबे टाइम से ये आइडिया चलता आ रहा है कि जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी इनहेरिट होते हैं. कोई बीमारी है, कोई डिसऑर्डर है, कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो वो भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होती है, ट्रांसमिट होती है. तो दिस एबनॉर्मेलिटीज का मतलब होता है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होना. अभी हम आगे देखेंगे ना कि हमारे कोई क्रोमोसोम, कई बार एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है तब आप उसको ट्राइजोमी कह देते हैं, या हो सकता है एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाए. ठीक है, तो इस टाइप की जो एबनॉर्मेलिटीज होती हैं उनसे बॉडी में डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं. बॉडी में किसी भी तरीके की डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं, तो उन्हीं के बारे में हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स में डिस्कस कर रहे हैं कि दिस वॉज बेस्ड ऑन हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन फैमिली, यानी फैमिली के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर
इनहेरिट हुए हैं पेरेंट्स से प्रोजिनी में, उसके ऊपर ये डिसऑर्डर्स डिपेंड करेंगे। तो आफ्टर द रिडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, जब मेंडल के वर्क की रिडिस्कवरी की गई, ठीक है, तो क्या देखा गया, द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस, यानी जो इनहेरिटेंस है उसको एनालाइज करने की जो प्रैक्टिस थी ट्रेट कैरेक्टर्स की, यानी ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टर्स के ऊपर एक प्रैक्टिस शुरू हुई, पूरा पैटर्न दिखाना शुरू हुआ। तो सिंस इट इज एविडेंट दैट कंट्रोल कॉजेस, कंट्रोल क्रॉसेस, यानी क्रॉस कौन सा, यानी हम लोगों के हाथ में है ना कि हम हाइब्रिड भी क्रिएट कर सकते हैं। प्लांट्स के अंदर भी हमने हाइब्रिड क्रिएट कर दिए, सी प्लांट्स के अंदर भी हाइब्रिड क्रिएट कर दिए, यानी क्रॉस को अपने कंट्रोल में लेना, ठीक है। तो परफॉर्म हुआ जो सी प्लांट्स में, या जैसे कि हमने ड्रोसोफिला में देखा, तो इन सभी से हमें क्या पता चला कि दे आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव। यहाँ से हमें पता चला कि एनिमल्स के केस में या प्लांट्स के केस में तो हमने क्रॉस करके पता लगा लिया, लेकिन ह्यूमन बींग्स के केस में ऐसी स्टडी पॉसिबल नहीं है जब तक उनकी फैमिली हिस्ट्री ना पता हो, ठीक है। तो ऐसे एनालिसिस को ट्रेट्स के, जिसमें हम किसी भी एक फैमिली की बहुत सारी जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आप पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। तो इन द पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशन। बहुत सारी जनरेशन का फैमिली ट्री हम दिखाते हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री एक स्ट्रॉन्ग टूल है जो यूटिलाइज, यानी यूज किया जाता है इनहेरिटेंस को, पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को या एबनॉर्मलिटी को या डिसीज की ट्रांसमिशन को स्टडी करने के लिए। तो जैसा कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि ईच एंड एवरी फीचर इन एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय वन और अदर जीन, जो डीएनए के ऊपर है, जो डीएनए किसमें है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के ऊपर जीन है, और जीन ही सारे कैरेक्टर्स को, फीचर्स को कंट्रोल करता है। डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, so it is hence transmitted from one generation to other without any change or alteration, यानी वो बिना चेंज हुए ही आगे चला जाता है। तो चेंजेस या ऑल्ट्रेशन ओकेजनली होती हैं, कभी कभी होती हैं, अगर चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर किसी भी फ्रेगमेंट का इंक्रीज हो जाना या उसका डिक्रीज हो जाना, उसकी वजह से जो पूरा जीन मैपिंग है, जेनेटिक मैप है, वो चेंज हो जाएगा, कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वजह से वो एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, ठीक। और ऐसे चेंजेस को आप म्यूटेशन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स पड़े गए हैं जो जीन्स के चेंज होने से या ऑल्टर होने से आए हैं। स्टार्ट करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, यानी मेंडल्स के लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या डिसऑर्डर्स ह्यूमन बींग्स में पेडिग्री एनालिसिस के बाद देखने के लिए मिले। तो हम देखेंगे ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरी। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की दो कैटेगरी हो गई, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं, केवल एक ही जीन में चेंज होना या ऑल्टरेशन होना, उसका एडिशन होना या डिलीशन होना, उसकी वजह से जो आता है उसको आप मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। तो दीज डिसऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग ऑन सेम लाइंस एज वी हैव स्टडीड इन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। जैसे F1 जनरेशन में हमने देखा था पी एक्सपेरिमेंट के ऊपर, या किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब हमने F1 जनरेशन पे देखा था, तो वहां हमने क्या देखा कि कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन फर्स्ट जनरेशन तक हुआ, उसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए, तो दीज डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइंस एज वी हैव स्टडीड इन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। जो पैटर्न है इनहेरिटेंस का ऐसे डिसऑर्डर्स में, उसको हम फैमिली के अंदर पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो क्या है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, इसमें जो ब्लड होता है वो बिल्कुल वाटर जैसा पतला हो जाता है, और अगर किसी भी पर्सन को हीमोफीलिया डिसीज है तो उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती,
ठीक है, अगर उसको कहीं पे भी चोट भी लग जाती है, यानी उसका खून इतना पतला हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं कि कहीं पे चोट लगने पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, ब्लड फ्लो लगातार होता है, ठीक है। फिर आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिकल सेल एनेमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनोरिया, इन सभी का डिस्कशन करेंगे हम, थैलेसीमिया। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मैंडेलियन डिसऑर्डर्स ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस में सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, अभी ये सारी डिसीजेस के बारे में बताएंगे। सिस्टिक का मतलब फटना होता है, सिस्ट बनना एक तरीके से। तो हम देखेंगे कि मैंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स डोमिनेंट हैं या रिसेसिव हैं, वो हम केवल किससे पता कर सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस से। तो सिमिलरली जो ट्रेट यानी कैरेक्टर है वो भी किससे जुड़ा हुआ हो सकता है, सेक्स क्रोमोसोम से भी जुड़ा हो सकता है, जैसे हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया में सेक्स क्रोमोसोम क्या है, एक्स वाई और एक्स एक्स है, तो मतलब ह्यूमंस के अंदर। तो अगर डिसऑर्डर सेक्स क्रोमोसोम पे है, ठीक है, तो उसको हम सेक्स लिंक्स कह रहे हैं, जैसे हीमोफीलिया में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट शो ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू प्रोजेनी। अभी मैं आपको हीमोफीलिया समझा देती हूँ। देखिए पहले हम हीमोफीलिया डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे। सेक्स लिंक है, एक्स क्रोमोसोम पे लाई करता है, तो अगर किसी पर्सन को हीमोफीलिया है तो उसको हम एक्स के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में एच लिख देंगे, यानी वो हीमोफीलिक है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे एक्स एच एक्स एच, तो ये क्या है, हीमोफीलिक फीमेल। एक्स एच एच कैरियर फीमेल, अगर एक ही एक्स के पास हीमोफीलिक वाला जीन है तब वो फीमेल कैरियर कहलाएगी। एक्स एच वाई हीमोफीलिक में, क्योंकि एच के पास अगर एच है तो वो हीमोफीलिया कर देगा, और यहाँ दूसरा एक्स तो है ही नहीं, वाई है, तो इसलिए मेल हो जाएगा हीमोफीलिक, और एक्स वाई क्या हो जाएगा, नॉर्मल मेल। तो अब हम इन सबकी क्रॉसिंग पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक्स एच एक्स एच यानी हीमोफीलिक फीमेल की कैरियर मेल से क्रॉसिंग दिखाती हूँ, प्रोजेनी कैसे आएंगे। तो आपको पता चल रहा होगा कि ना सारे प्रोजेनी हीमोफीलिक आएंगे। मदर फादर दोनों हीमोफीलिक हैं, तो सारे प्रोजेनी कैसे आ गए, हीमोफीलिक आ गए। अब अगर हम मदर को कैरियर ले लेते हैं और फादर को हीमोफीलिक ले लेते हैं, तब इस टाइम पे एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी कैरियर की। और एक आ गई नॉर्मल, ठीक है, कैरियर फीमेल हीमोफीलिक मेल। तो यहाँ पे एक क्या आएगी पॉसिबिलिटी, 1:1:1:1, एक नॉर्मल फीमेल, सॉरी एक हीमोफीलिक फीमेल, एक कैरियर फीमेल, ठीक है, और एक हीमोफीलिक मेल और एक नॉर्मल मेल। तो ये चार पॉसिबिलिटी हो गई। तो इस तरीके से हमारा हीमोफीलिया का चार्ट आगे चलता है, ठीक। अब अगर ले लेते हैं नॉर्मल मेल और कैरियर फीमेल, तब भी क्या देखेंगे, कैरियर फीमेल बन जाएगी या एक हीमोफिलिक मेल बन जाएगा, यानी यहाँ पर भी क्या रहा पॉसिबिलिटी, 1:1:1:1 ही रहा जीनोटाइप, कैरियर फीमेल 1:1 नॉर्मल फीमेल, 1 हीमोफिलिक मेल एंड 1 नॉर्मल मेल। दिस इज अबाउट क्रॉस ऑफ हीमोफीलिया, ठीक। अब आगे देखेंगे कैरियर फीमेल क्या होता है,
कैरियर फीमेल का मतलब क्या होता है, जब कोई फीमेल अपने केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफिलिक कैरेक्टर को लेकर जा रही है आगे से, ठीक। अब उसे कैसे पता चलेगा कि उसके पास एक ही आया है, ठीक है। तो ऐसा केस कहाँ पे होगा, देख सकते हैं आप इस केस में। अगर इस फीमेल के मदर फादर में से फादर नॉर्मल थे, मदर उसकी कैरियर होंगी, तो वो डॉटर भी कैरियर हो गई, ठीक है, क्योंकि उसके एक एक्स के ऊपर एच है। और वो जो आगे एक एक्स दे रही है, एच वाला अगर दे देती है, तब उस टाइम पे वो फीमेल कैसी हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी। देखिए, तो यहाँ हम आ गए, तो इट इज एविडेंट दैट एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट शो ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी, क्योंकि अगर कैरियर फीमेल का एक्स एच आगे चला गया तो मेल क्या बन जाएगा, हीमोफिलिक बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम डोमिनेंट और रिसेसिव शो करेंगे ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड। देखिए, यहाँ हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज दिखाई है और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज दिखाई है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, हीमोफीलिया सेक्स लिंक थी, लेकिन ये हम ऑटोसोमल डिसीज की बात कर रहे हैं। ऑटोसोमल डिसीज का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमंस के 22 पेयर क्रोमोसोम ऑटोसोम हैं, जो मेल और फीमेल दोनों में हैं, ऐसी डिसीज को ऑटोसोमल डिसीज कहते हैं। और जो डिसीज वन सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होती है, उसको डिसीज को सेक्स क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग डिसीज कहते हैं, ठीक है। देखिए, अभी ये पेडिग्री चार्ट समझाऊंगी, आगे देखिए। पहले ये देख लीजिए, यहाँ फीमेल कैसी है, डिसीज है, ठीक है, डिसऑर्डर, फीमेल डिसीज है, मेल यहाँ पर हेल्दी है। तो आगे देखेंगे चार प्रोजेनी आए, 1, 2, 3, 4। तो फीमेल डिसीज होने का मतलब है 50-50 पॉसिबिलिटी हो गई, क्योंकि फीमेल डिसीज होने का मतलब क्या है कि उससे जो आगे जा रहा है, अब जरूरी तो नहीं है कि डिसीज होने का मतलब ये नहीं है। अब हम ऑटोसोमल डिसीज की बात कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना कि ऑटोसोमल डिसीज के केस में और सेक्स क्रोमोसोमल डिसीज के केस में यही डिफरेंस है कि सेक्स क्रोमोसोमल डिसीज के केस में ये केवल कैरियर है, यानी यहाँ पे हीमोफिलिक कैरेक्टर कैसा है, रिसेसिव है, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल केवल कैरियर बनी है, डिसीज नहीं बनी। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हीमोफिलिक कैरेक्टर अपने आप को केवल तभी रिप्रेजेंट करवा पाएगा जब दोनों एक्स के पास हीमोफिलिक कैरेक्टर हो या फिर दूसरा क्रोमोसोम वाई हो, यानी एक्स एच डोमिनेंट केवल तब होगा जब वो दोनों होंगे, यानी एक तरीके से ये कैसा है, रिसेसिव ट्रेट है। तो सेक्स लिंक किस पे डिपेंड कर रही है, रिसेसिवनेस पे। अब हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पर ये ऑटोसोमल डिसीज की है, तो ऑटोसोमल डिसीज के केस में देखेंगे आप कि फीमेल हो सकता है हेल्दी हो और हो सकता है कैरियर हो, ठीक है, डिसीज भी हो सकती है, क्योंकि ये जो डिसीज फीमेल थी, यानी यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो क्या है, मतलब एक्स, मान लीजिए हम ऑटोसोमल डिसीज की बात कर रहे हैं, तो ऑटोसोम्स के जो दो जीन्स आगे जा रहे हैं, अगर एक भी कैसा है, अनहेल्दी है, तो वो डिसीज कर देगा, ठीक। तो पेरेंट्स के कुछ भी मान लीजिए, ए मान लीजिए, ए में बी था, अगर कोई डिसीज का हमने सुपर स्क्रिप्ट बी ले लिया, तो ये अपने आप को डिसीज कहेगा, डिसीज कहेगा, यानी डिसीज यहाँ पे डोमिनेटिंग है। अब इन दोनों में से तो पॉसिबिलिटी है ना कि आगे दोनों जा सकती हैं, तो इसके केस में तो वो हेल्दी प्रोजेनी बना देगा और इसके केस में वो फिर से डिसीज बना देगा। तो यही हमने इस पेडिग्री पे शो किया है, जो रेड रेड कलर की फीमेल है, यानी ये डिसीज बन गई, और नॉर्मल फीमेल बन गई, यानी दोनों पॉसिबिलिटी है, मेल के केस में भी और फीमेल के केस में भी। अब नॉर्मल मेल जो चाइल्ड था, उसकी शादी की मैरिज नॉर्मल फीमेल से हुई, तो उसके सारे प्रोजेनी कैसे रहे, नॉर्मल ही रहे,
लेकिन अफेक्टेड फीमेल की शादी नॉर्मल मेल से होने के बाद मेल तो क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, मेल अनअफेक्टेड ही रहेंगे, लेकिन फीमेल हमेशा डिसीज या कैरियर ही रहेगी। ठीक, ये तो था माइटोनिक डिस्ट्रॉफी के बारे में। ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट स्टेट है। अब हम ऑटोसोमल रिसेसिव स्टेट देखेंगे। ऑटोसोम्स 22 पेयर जो ऑटोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे अंदर, जो मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, उनको ऑटोसोमल डिसीज कह रहे हैं। और अगर सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसीज की, तब उसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के थ्रू देख रहे हैं, सेक्स लिंक डिसीज कह रहे हैं। अब देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, अब देखिए यहाँ मेल और फीमेल दोनों हेल्दी हैं, तो जरूरी नहीं है कि हेल्दी का मतलब क्या है कि इनके अंदर हिडन कैरेक्टर नहीं है। तो इनके अंदर हिडन कैरेक्टर हो सकता है, तो उस हिडन कैरेक्टर की वजह से ही इनकी पॉसिबिलिटी है कि प्रोजेनी डिसीज आ जाए। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो ना आप कि यहाँ हेल्दी फीमेल की शादी मैरिज किससे हुई, नॉर्मल मेल से हुई, तब भी प्रोजेनी हो सकता है, जो मेल है वो अफेक्टेड आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पेरेंटल जनरेशन थी इसके अंदर डिसीज हिडन थी, वो फर्स्ट जनरेशन में जिस प्रोजेनी में नहीं दिखी, उस प्रोजेनी के जो प्रोजेनी है हो सकता है वो उसमें अपीयर हो जाए। जैसे यहाँ हुआ भी है कि इस मदर फादर जो हेल्दी थे, इनकी एक हेल्दी डॉटर की शादी एक नॉर्मल मेल से होने पे जो प्रोजेनी आया वो डिसीज हो गया, क्योंकि इनके अंदर हिडन कैरेक्टर्स थे रिसेसिव। ठीक, अब आता है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसीज है। ये शो करेगी ट्रांसमिशन अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से किसी भी मेल प्रोजेनी पे। इस डिसीज में सिंगल प्रोटीन है जो कैस्केड प्रोटीन्स का पार्ट होता है और एक क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को इफेक्ट करता है। इसकी वजह से एक सिंपल कट में भी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। हेट्रोजाइगस कैरियर जो है फीमेल, वो अपने सन को डिसीज ट्रांसमिट कर सकती है, तो जो पॉसिबिलिटी है फीमेल की हीमोफिलिक बनने की वो कम होती है। ठीक है, तो यानी कि जो मदर है वो ज्यादातर इस केस इनके ऐसे केसेस में कैरियर रहती हैं, लेकिन जो फादर होते हैं वो हीमोफिलिक होते हैं। जो फैमिली है क्वीन विक्टोरिया की, अगर हम पेडिग्री चार्ट देखते हैं तो वहां पे क्या है, हीमोफिलिक जो प्रोजेनीज है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो खुद हीमोफीलिया की कैरियर थी।